अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज आपकी खिदमत में लेकर आपकी बहन एक और वीडियो हाजिर है, जो कि है ब्राइडल बेस पे किस तरह से पार्लर में ब्राइडल बेस बनाई जाती है वो मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगी। नॉर्मल सी चीज़ें जो आपके पास घर में होगी, जरूरी नहीं है कि यही हो, मेरे पास भी हर चीज़ जो है अलग अलग ब्रांड्स की है, तो आप भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हो गई, और उसके बाद आपको मैं इंट्रो करवाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेरे पास ये चार पाँच चीज़ें हैं, ये क्या क्या है कि आपके पास हर घर में ये ज़रूर चीज़ें होंगी, आपके मेकअप एक्सेसरीज में ये ज़रूर होगी। फर्स्ट पर हमारे पास बीबी क्रीम है, आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बीबी ने। आपके पास फिर की बस रोज की कोई सी भी है जो है क्रीम फाउंडेशन लिक्विड में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पे मेरे पास है क्लेओन की स्टिक है, ये मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। किस तरह से करती हूँ ये भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ही वीडियोस में आएगी मेरी। ये देखिए यूज़ करें कितनी होगी, और इस वीडियो में हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे क्योंकि विंटर में जब ये लगाते हैं, अभी तो मेरे हाथों पर मॉइस्चराइजर लगा हुआ है इतना इसका नहीं है, पर अगर आपकी ड्राई स्किन होगी तो फिर ये बिल्कुल ही ये ऐसे वाइटी सा शेड देगा और थोड़ी देर बाद ही आपकी स्किन को ड्राई कर देगा विंटर में, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से बेस बना के रख लें, रेगुलरली यूज़ करें, अगर कॉलेज गोइंग है, आप जॉब पर जाती ऑफिस गोइंग, जो भी है आप यूज़ करेंगे, तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई कैकी नहीं बनेंगे, कोई पैचेस नहीं बनेंगे और कोई क्रैक नहीं बनेंगे आपकी शेड के अंदर, ठीक है। बेस की नंबर थर्ड पे हमारी चीज़ है, हमारे पास है प्राइमर, और ये हमारे पास है फोटो फिनिश का है, और ये कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है, पंप की सूरत में है। प्राइमर हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप लोग जो है इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मॉइस्चराइजर जो है वो मेकअप मतलब बेस लगाने से 15-20 मिनट पहले भी लगा के रखें तो सेम ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मैं इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकती, आप चाहें तो इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ही आप इसको कैरी करना चाहते हैं अपने ऑफिस गोइंग के लिए, तो इसको आप कैरी करके अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, क्लच के अंदर रख सकते हैं। जैसे ही आपको पता लगे आप कहीं जा रहे हैं तो जल्दी से गाड़ी में बैठ के आप इसको फेस पर लगा सकते हैं। आपको इतनी सारी एक्सेसरीज जो है अपने बैग में रखने की जरूरत नहीं होगी, छोटी सी डिब्बी होगी उसको अपने बैग में रखें और इजी रहे। हमारे पास फोर्थ पे जो चीज़ है वो है फाउंडेशन कंपाउंड पाउडर, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है। मेरे पास लोरियल का बीबी है, टू वे पाउडर है, मतलब दो है, मैं यहाँ पे मैट में जो है कलर वो मैं यूज़ करूँगी, तो ये शिमर है, आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वन चीज़ जो है ये है, ये मेरा अभी लगा है और अभी मेरे से टूट गया है तो कोई बात नहीं। हाइलाइटर है, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों शेड्स है मेरे पास, ये पिंकी शेड है, ये गोल्डन शेड है और ये सिल्वर शेड है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो ये टूट गया। चले तो आई अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं, मतलब इसको बनाने की तरफ। इस तरह से बनाई जाती है, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लेंगे जी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया इस तरह से कुछ, और यहाँ पे हम अपने जो है क्रेयॉन की स्टिक इसको लेंगे, ये इस तरह से उतरेगी नहीं, तो हम इसके लिए अपनी नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी सी जो है हम ले लेंगे, ये एक वीक के लिए मैं बना रही हूँ, तो इतनी सी हम क्रेयॉन की स्टिक लेंगे। ऊपर से बहुत फाइन सी शार्प ये इसके साथ आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है कट हो जाएगी, और आपको बाद में जब ऐसे ही आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो बहुत इजीली रहेगी, एज़ कम्पेयर टू आप स्पून के साथ या फिर वैसे कुचर कुचर के मतलब उतारेंगे तो। सेकंड में हमारे पास बीबी फाउंडेशन, या आप इसके जगह पर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो लेंगे हम। क्वान्टिटी हर चीज़ की आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, कुछ इतनी सी लेंगे हम। आप अगर ड्रॉप्स की सूरत में लें तो आप 10-15 ड्रॉप्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने विदाउट एनी मेजरमेंट ली है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कितनी से यूज़ होगी। यहाँ पे हम 2 पम्प्स जो है अपने प्राइमर के ले लेंगे, 1 और 2। इसके साथ जो हमारी बेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और लॉन्ग टाइम टर्न हो जाएंगी, तो ये रही। उसके बाद अब हमारा आ गया कम्पैक्ट पाउडर, तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है मैं ये वाला शेड लूँगी जो शिमरी नहीं है, तो इसको मैं इसके साथ ही इस तरह से कर लूँगी। इसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, हाँ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। मेरी नॉर्मल ड्राई है, मतलब ड्राई की तरफ ज़्यादा है, नॉर्मल है, तो मैं इसके अंदर बहुत कम ही यूज़ करूँगी। थर्ड जो हमारी लास्ट वन थिंग है वो है हमारे पास हाइलाइटर, इसको मैं बहुत आराम से हो रही हूँ। यहाँ पर मैं ये पिंकिश जो शेड है थोड़ा सा वो ऐड करूँगी, तीनों शेड मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि मैं जब फेस पर भी अप्लाई करती हूँ ना तो मोस्टली मैं तीनों मिक्स करके ही अप्लाई कर लेती हूँ, और इधर से तो मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ही मेरा टूटा पड़ा है, तो ये हो गया। अच्छा तो अब हम इसको कर लेंगे, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपकी ज़्यादा ही मतलब थिक है हुई पड़ी है सर्दियों की वजह से, तो आप इसको थोड़ा सा डबल बॉइलिंग प्रोसेस में या फिर वैसे हीटर की मदद पे स्टील की मेटल की किसी चीज़ के ऊपर रख के आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं क्रेयॉन के स्टिक को, उसके बाद इसको मिक्स कर सकते हैं। मेरे से ऐसे ही हो रही है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं कर रही, ज़्यादा नहीं ली विक की बना रही हूँ, तो ये इस तरह से भी हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी मैं आपको ये लगा के यूज़ करके भी बताऊंगी। पार्लर में सेम इसी तरह से ही बनाई जाती है, जो यूज़ की जाती है पार्लर में बेस बना के रखी हुई होती है वो इसी तरह से ही बनाती हैं, बस प्रोडक्ट्स का फ़र्क होता है, कोई कोई यूज़ कर रहा है, कोई कोई यूज़ कर रहा है। आप अपने घर में खुद भी बना सकते हैं, शादी हो, फंक्शन हो, कोई किसी भी पार्टी वगैरह में जाना हो तो आप ये बना के रख सकते हैं, और ईजीली हर चीज़ को बार बार लगाने की
बजाय एक दफ़ा ही थोड़ी सी लें और लगाएं और यूज़ करें। अच्छा मैं इसको आपको क्या कहते हैं यूज़ करके दिखाती हूँ आपके सामने ही कैसा रिजल्ट है। ये पहले की लगी हुई है, यहाँ पे मैं लगाती हूँ अभी वाली, तो आप देखिएगा ये ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे अपनी अप्लाई करती हूँ। ये ले ली मैंने, ये देखिए बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है स्मूथ है इसकी नस्बत। यहाँ पर मैं लगा के दूसरी क्लियन की आपको स्टिक दिखाती हूँ। ये रहा, आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर ले अपने स्पंज को और उसके साथ लगाएं टैप टैप करके, तो उसके साथ भी बहुत अच्छे से लगेगी। ये देखें, और अगर आपका बहुत ही ऑयली फेस है तो आप इसके ऊपर से जो है वेट करके अपने स्पंज को उसके साथ कंपैक्ट पाउडर के साथ इसको, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए चाहते हैं लगाना तो कंपैक्ट पाउडर का जो है वो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर और आपका ऑयली फेस वालों के लिए। और ये रहे हमारे दोस्त, इन दोनों में वाजिया शेड आपको फ़र्क जो है फील हो रहा होगा, इसमें कितना अच्छा फील है और इसके अंदर मतलब कलर में कितना फ़र्क आ गया। आई होप सो कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करते शेयर करें और कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।